वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप ना मेरी इस जर्नी में हमेशा मेरे साथ बने रहे हैं। जब से मैंने आपसे बात करना शुरू किया है अबाउट माय डार्क सर्कल, तो आप बताऊं डार्क सर्कल तक तो बात ठीक थी, ठीक है, मैं उसको कुछ ना कुछ करके कवर कर लेती थी, बट अब बात आ गई थी मेरे यहाँ पे फाइन लाइन्स की, थोड़ा बहुत फाइन लाइन्स आने लगी थी बिकॉज आई एम 27। तो और दूसरा चीज जो है यहाँ पे हल्का सा मुझे पफीनेस भी फील होने लगी थी, तो मैंने सोचा यार डार्क सर्कल तक तो ठीक था बट ये कुछ ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने नेट पे फिर से एक बार स्क्रॉल करना शुरू किया और रिव्यूज मुझे जो मिले हैं गाइस, रिव्यू से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। तो इम्प्रेस होने के बाद मैंने यहाँ पे खुद एक ऑर्डर किया अपने लिए प्लिक्स का गोवा फ्रेश आईज अंडर आई जेल। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार इसको भी मौका देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज करने के बाद जो नतीजा था वो आप लोगों के सामने था, मैंने कहा वाई नॉट दिस। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी को इंट्रोड्यूस करने आई हूँ और इसको यूज काफी टाइम से कर रही हूँ और फर्क तो थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने अभी तक नजर आ ही गया होगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट, ये है प्लिक्स का गुआवा अंडर आई जेल। और यहाँ पे अगर बात करूँ प्लिक्स की, तो प्लिक्स जो होते हैं इनके इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा नेचुरली होते हैं, लाइक इसमें इन्होंने गुआवा यूज किया हुआ है, तो इट मीन्स इसमें बहुत ज्यादा पैराबिन सिलिकॉन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको यूज करना प्रेफर करती हूँ। और मैंने पहले भी इनका प्लिक्स का जो है गुआवा ग्लाइकॉल वाला जो है सीरम यूज किया, उसका भी वर्क मेरे ऊपर काफी अच्छा गया है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आता है। अब मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा अपने हैंड पे यूज करके दिखा देती हूँ दैट इसकी एप्लीकेशन कैसी है। तो आपने हमेशा कभी भी ना यूज करना है इसको अपनी अंडर आई में, तो एक अमाउंट सेट करना है, ये नहीं होता कि अगर हम ज्यादा चीज यूज कर लेंगे तो वो हमारे ऊपर ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन और आपने हमेशा राउंड एंड राउंड ही मोशन में उस चीज को करनी है। ओके दिस अ वेरी, बहुत जल्दी देखिए स्किन में अब्सॉर्ब हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि स्टिकी नहीं है। अगर बात करूं मैंने जो एक दो प्रोडक्ट यूज किए थे, नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का, बट एक दो प्रोडक्ट जो यूज किए थे वो काफी स्टिकी थे, बट ये देखिए दिस इज अ नॉन स्टिकी फॉर्मूला। आप भी सोच रहे होंगे कोमल ने इतने सारे प्रोडक्ट यूज किए तो वाई प्लिक्स, प्लिक्स क्यों यूज किया है? क्योंकि प्लिक्स यूज किया सबसे पहले जो मेरा मेन पॉइंट है वो कि इसमें, क्योंकि इसमें गुआवा यूज हुआ है जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और दूसरी चीज है इसमें यूज हुआ है 3% नाइसिनामाइड जो कि आपके मेलानिन के ट्रांसफर को रोकता है, और दूसरे इसमें यूज किए कैफीन। कैफीन जो होता है, कैफीन का मोस्टली काम होता है कि वो जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और आपकी जो अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी स्किन जो है वो अंदर से ब्राइटन अप होती है। और इसमें जो लास्ट है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का काम होता है वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और प्लस रीजनरेट करता है आपकी स्किन सेल्स को। तो जब स्किन सेल्स जो होते हैं रीजनरेट होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी स्किन अंदर से हैप्पी है तो वो बाहर से भी हैप्पी हो। इसको मेरा यूज करने का वे बहुत सिंपल है, लाइक आपने पी साइज एक अमाउंट लेना है और आपने अपने नॉर्मली अंडर आई डार्क सर्कल में इसको यूज करना है, और यूज करते टाइम आपने हमेशा इसको जो है एक सर्कुलर मोशन में यूज करना, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, और प्लस जो होता है ये, और हमेशा रिंग फिंगर से ही आपने इसको करना है बिकॉज रिंग फिंगर में बोलते कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो कि आपके जो डार्क सर्कल को रिड्यूस करने में भी काफी हेल्पफुल रहती है। बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की जो कि मुझे लगता है डार्क सर्कल तो रिड्यूस करते हैं कि ये बेनिफिट हो गया, प्लस अगर आप में फाइन लाइंस आ रही हैं जैसे कि अब मुझे थोड़ी थोड़ी फील होने लगी थी, तो ये फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है, और अगर ये जो है आपका हाइड्रेशन को अप करता है, मॉइस्चराइजर लेवल को भी अप करता है, तो ये जो चीजें होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक अच्छे अंडर आई जेल में, जो कि पर्सनली मुझे लगता है। तो मैं इसको यूज करते हुए काफी टाइम हो गया मुझे, और ये जो रियल स्किन है वो आपके लोगों के सामने ही है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इनकी साइट से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट एमेजॉन कहीं से भी परचेस करते हैं, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने कहीं से इसको बस परचेस करना है, बिकॉज अगर मैं रेकमेंडेशन दे रही हूं तो यू नो ना मैं रेकमेंडेशन उन्हीं चीजों का देती हूं जो कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वर्क करती है। और जैसा कि आप ये पिक्स देख ही चुके मुझे कि इन वीक्स में मेरे ऊपर इसका असर कैसा पड़ा। प्लीज मेरी तरफ से एक थम्स अप है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसको ब्लीड फॉर श्योर आप परचेस कर सकते हो। ओके दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो फॉर दिस प्लिक्स गुआवा अंडर आई जेल। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।